सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, धार्मिक नगरी सासाराम में दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा पंडाल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के दायरे में काफी भव्य रूप से बनाए जाते हैं। इस बार सासाराम में कई जगहों पर थीम बेस्ड दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ बिहार के सासाराम के 8 बेहद ही खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल थीम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, रोजा रोड दुर्गा पूजा पंडाल सासाराम। दोस्तों, रोजा रोड दुर्गा पूजा पंडाल में इस वर्ष ग्वालियर के सूर्य मंदिर का नजारा देखने को मिलेगा। यहां का पूजा पंडाल लगभग 75 फीट ऊंचा रहेगा और 30 फीट चौड़ा रहेगा। पिछले 32 वर्षों से यहां पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनता है। इस पूजा पंडाल को बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से कलाकार आए हुए हैं। नंबर 7, छात्र नवयुवक संघ तार बंगला। दोस्तों, छात्र नवयुवक संघ तार बंगला का दुर्गा पूजा पंडाल सासाराम रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर की दूरी पर बनता है। इस वर्ष यहां के दुर्गा पूजा पंडाल में कोलकाता के काली मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। पंडाल की ऊंचाई लगभग 80 फीट रहेगी। इस पूजा समिति के द्वारा पिछले 37 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पंडाल के आसपास विद्युत की चकाचौंध व्यवस्था रहेगी। दुर्गा पूजा के दौरान यहां पर प्रसाद आदि का वितरण भी किया जाता है। नंबर 6, काली कला मंदिर पाली। दोस्तों, काली कला मंदिर का दुर्गा पूजा पंडाल सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर बनता है। इस वर्ष समिति के द्वारा अक्षरधाम मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो कि देखने में काफी भव्य लगेगा और जिसमें मां भवानी शेर पर सवार रहेंगी। इस दुर्गा पूजा समिति के द्वारा 55 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर बनाए जा रहे दुर्गा पूजा पंडाल की ऊंचाई 65 फीट रहेगी। दुर्गा पूजा पंडाल में लाइटिंग की बहुत शानदार व्यवस्था रहेगी। पंडाल के आसपास मेले का भी आयोजन होता है। आप अपनी मनपसंद चीजें यहां पर खा सकते हैं। नंबर 5, इंडियन यूथ क्लब पुराना डाक बंगला। दोस्तों, इंडियन यूथ क्लब पुराना डाक बंगला के द्वारा इस वर्ष अमरनाथ गुफा का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। इस पूजा पंडाल की ऊंचाई लगभग 70 फीट की होगी। इस दुर्गा पूजा समिति के द्वारा 40 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। इस दुर्गा पूजा पंडाल को लगभग 25,000 वर्ग फुट में बनाया जा रहा है। यहाँ के पूजा पंडाल को देखने के लिए डेहरी और इसके आसपास के कई जगहों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पर प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। पंडाल के आसपास विद्युत की चकाचौंध कर देने वाली साज सज्जा की जाती है। यहाँ की मूर्ति को भी अंतिम रूप से सजाया जा रहा है। नंबर 4, न्यू फ्रेंड्स क्लब नोखा। दोस्तों, न्यू फ्रेंड्स क्लब नोखा के द्वारा इस वर्ष बुर्ज खलीफा का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। इस समिति के द्वारा पिछले 47 वर्षों से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस दुर्गा पूजा पंडाल को देखने के लिए आसपास के लाखों लोग यहां पर आते हैं। पंडाल के आसपास विद्युत की साज सज्जा काफी खूबसूरती के साथ की जा रही है। नंबर 3, दुर्गा पूजा समिति बोर्ड अपर प्राथमिक विद्यालय। दोस्तों, दुर्गा पूजा समिति बोर्ड अपर प्राथमिक विद्यालय के द्वारा इस वर्ष केदारनाथ मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। दोस्तों, नोखा में अवस्थित इस दुर्गा पूजा समिति के पंडाल की दूरी सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 23.4 किलोमीटर की है। इस दुर्गा पूजा पंडाल को बनाने के लिए गिरिडीह से कलाकार कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। इस दुर्गा पूजा समिति के द्वारा 70 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन होते आ रहा है। पूजा पंडाल को काफी भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान यहां पर माता रानी को भोग भी लगाया जाता है। नंबर 2, कोचस छावनी दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, कोचस छावनी दुर्गा पूजा पंडाल की दूरी सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 34.8 किलोमीटर की है। प्रतिवर्ष इस समिति के द्वारा शानदार थीम्स पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं।
इस वर्ष भी यहाँ पर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है। यहाँ पर बन रहे पंडाल की ऊंचाई 50 फीट और चौड़ाई 45 फीट के करीब है। दोस्तों पिछले 100 वर्षों से यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, तो अगर आप भी सासाराम या इसके आसपास के हैं तो इस दुर्गा पूजा पंडाल में घूमने के लिए एक बार जरूर जाएं दोस्तों। नंबर 1 आदर्श नव युवक संघ दुर्गा मंदिर तकिया मोड़। दोस्तों नंबर 1 पर आने वाले आदर्श दुर्गा मंदिर तकिया मोड़ में इस वर्ष अयोध्या के राम मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। इस दुर्गा पूजा पंडाल की दूरी सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन से मात्र 2.5 किलोमीटर की है। इस समिति के द्वारा पिछले 70 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन होते आ रहा है। इस वर्ष यहां का पंडाल 95 फीट ऊंचा और 175 फीट चौड़ा रहेगा। समिति के द्वारा आकर्षक लाइटिंग भी की जाती है, तो अगर आप सासाराम से हैं तो यहां के दुर्गा पूजा पंडाल को घूमने के लिए जरूर जाएं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे सासाराम के 8 बेहतरीन थीम्स पर बनने वाले दुर्गा पूजा पंडाल। इसके अलावा भी सासाराम में जगह जगह पर बहुत ही शानदार दुर्गा पूजा थीम्स पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, और इसके साथ ही साथ पारंपरिक रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आप इस बार सासाराम में दुर्गा पूजा घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे YouTube चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगले वीडियो आप किस शहर या किस जगह के दुर्गा पूजा पंडाल की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।